नीचे ना रिकॉर्डिंग आप लोगों को याद दिलाना चाहिए, फिर तो ऐसे ही रह जाएगा। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो है एल प्लस एक्स या एल माइनस एक्स। बस इसका जवाब दीजिए कि ट्रू वैल्यू जो होगी, ट्रू वैल्यू आपकी, ट्रू वैल्यू विल बी इक्वल टू एल प्लस एक्स और एल माइनस एक्स। मेरे को इसका आंसर चाहिए और किसी चीज का आंसर नहीं चाहिए। एल प्लस एक्स करेंगे। एल प्लस एक्स सर। यस सर। तो इसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे ना, ये सही है सर। हम उसे प्लस करेंगे जब भी, तो कहते एग्जैक्ट हम लेंथ और वैल्यू निकाल क्यों, पाएंगे। क्यों 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 सर, जो वो मैंने बताया तो वो थोड़ा थोड़ा सही, एग्जैक्ट रीजन पे नहीं पहुंच पा रहे ना। मैं बात तो समझ गया आपकी, कह रही है सही। कोई और मेरे को सोच के बताएगा कि एल प्लस एक्स ही क्यों होगा ट्रू वैल्यू? सबको भगवान सर ने वो एक, पहले से, बोली 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 सर वो पहले से ही उसका जीरो थोड़ा सा पीछे था। अगर हम उसे मेजर करेंगे तो मेजर वैल्यू सिर्फ वो थोड़ा पीछे ही होगा, तो सर उसमें वैल्यू ऐड करेंगे ना तो रियल वैल्यू आएगी। आया सुनने? मैंने क्या कहा कि दो जीरोस के बीच की डिस्टेंस होती है वही मेजर किया जाता है, लेकिन इसका जीरो तो पहले से पीछे है ना, तो मेरे को इस वाले जीरो को आगे लेके जाना पड़ेगा ना। लॉजिकली सोचिए, आप यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से, ठीक, यहाँ से मूव करके यहाँ तक पहुंचे, आपने कितना चला, 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक, लेकिन आपको रीडिंग कितना दिखा रहा है, 8 सेंटीमीटर। रीडिंग तो ये दिखा रहा है ना इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, लेकिन आप एक्चुअली यहाँ से yes, चले sir. थे ना, यहाँ से आप चले यहाँ तक, आप तो चले 10 सेंटीमीटर, लेकिन आपको रीडिंग कितना दिखाया गया, 8 सेंटीमीटर। ये वाला तो दिखाया नहीं ना, इस वाले को ऐड करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अगर वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से पीछे होता है तो इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। पहले ये फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ये कौन सा एरर है, नेगेटिव जीरो एरर। और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि नेगेटिव जीरो एरर को हम लोग मेजर्ड वैल्यू में ऐड करते हैं। आनिया लिख लिया बेटा, यहाँ तक क्लियर है सभी को? पूजा क्लियर है? यस सर। ठीक है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं कि जब दोनों के जीरो कोइंसाइड हो रहे थे, नेगेटिव जीरो अरे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बता प्लस माइनस में बहुत गलती करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। जब दोनों के जीरो कोइंसाइड हो रहे थे उस केस में 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड हो रहा था 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल,
ठीक सर। अगर वर्नियर का जीरो थोड़ा सा पीछे चला गया तो टेंथ डिवीजन नाइन्थ से कंसाइड होगा क्या? नो सर, नहीं होगा ना, वो थोड़ा सा स्लाइड हो जाएगा पीछे की तरफ। यस सर। ठीक है, तो ये मेरा नाइन्थ था, मैंने कहा कि टेंथ यहाँ पे आ गई। ठीक, ये टेंथ डिवीजन। एक दो तीन चार पांच छह को मिलाते हैं, ये है ऐसा। एग्जैक्ट नहीं बना पाऊंगा, वो आपके बुक में बकायदा वो डायग्राम दिया रहेगा, मैं तो काउंटिंग करके बना रहा हूँ, तो इसलिए मेरे डिवीजन पे मत ध्यान दीजिएगा कि इधर ज्यादा गैप कर दिया था, कम गैप कर दिया सर ने। ये जीरो है, ये मेन स्केल का जीरो है। तो आपने कहा ये कौन सा एरर है? नेगेटिव जीरो एरर। क्यों? क्योंकि वन ईयर का स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक, अब मेरे को नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू बतानी है, कैसे बताएंगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेगेटिव जीरो एरर, मतलब कि ये वैल्यू कितनी है? आ रहा है समझ में? ये डिस्टेंस बताइए बताइए, सभी के लिए कॉमन क्वेश्चन है, सोचिए जरा दो मिनट। 0.6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.9 इनटू 6, एंड सब निकालिए कितना आ रहा है सर? जो हमारी टोटल रीडिंग आएगी उसमें से ही तो माइनस कर देंगे जीरो एरर को। मेरे को जीरो एरर की वैल्यू चाहिए, मैंने ये पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरो एरर, इसमें एरर है कितना? म्यूट है नयन, आनिया बेटा बोलिए कुछ। सर द वैल्यू विच इज कोइंसाइडिंग ईच अदर सर, उस जो वर्नियर स्केल का पार्ट है उसको लेंगे एंड वी सबट्रैक्टेड बाय द पार्ट फ्रॉम द मेन स्केल, सो सर हमें वो x मिल जाएगा। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x? गलत, देखिए ध्यान से, मेरे को ये वैल्यू चाहिए। हनी, ऋषभ, हिमांशु, आप लोग भी कुछ बोलिए। 0.04। हाँ, देखिए कल जब मैं आप लोगों को बता रहा था तो मैंने एक पॉइंट पे, जो हम लोग जनरल मेथड से करे थे, कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या कहा था कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हूँ लाइन, अगर दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो मैं ये डिफरेंस पता लगा सकता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि दोनों के जीरो तो कोइंसाइड कर ही नहीं रहे। हमें को ये देखना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो ये वाला लाइन कोइंसाइड हो रहा है। यस सर।
अच्छा ये बताइए फिर से, दोनों के जीरो कोइंसाइड हो रहे हैं, अगर दोनों के जीरो कोइंसाइड हो रहे हैं इसका मतलब 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यस सर। अगर वर्नियर के जीरो को मैं पीछे करूंगा तो 10th डिवीजन भी तो 9th से थोड़ा पीछे हो जाएगा। यस सर। तो जितना डिस्टेंस इन दोनों जीरो के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस 10th और 9th के बीच में होगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस सर। तो इसका मतलब ये एक्स है अगर, तो बेटा ये भी एक्स होगा। क्लियर है यहाँ तक? नहीं सर, मुझे नहीं समझ आया। सिंपल, मैंने कहा कि दोनों के जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर दोनों के जीरो कोइंसाइड हो रहे हैं तो 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो अगर इसका जीरो पीछे मूव हुआ तो इसका भी तो 10th 9th से पीछे हो जाएगा। मैंने मूव कर दिया ना इधर, जितना ये जीरो आगे की शिफ्ट होगा उतना ही वो 10th 9th शिफ्ट होगा। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? यस सर का मतलब क्या? नहीं आया? यस सर, आ गया सर, आ गया, आ गया। हाँ तो वो कहिए ना अन्या, कंफ्यूजन। ये है ठीक, ये जीरो इसका कौन साइड हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके देखें, ये दोनों के जीरो कोइंसाइड हो रहे हैं, ये वाला पॉइंट दोनों के जीरो कोइंसाइड हो रहे हैं ठीक, और इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है? इसका 10th और इसका 9th कोइंसाइड हो रहा है। आगे मैं इधर yes, sir. x चला तो ये भी तो x चलेगा यहाँ से। yes, sir. तो ये जो डिस्टेंस होगी बेटा वो भी ये डिस्टेंस होगी ना, इक्वल होंगी दोनों। ये ऐसे है ना, स्केल को बस मैंने इधर मूव कर दिया, मैंने कहा इन दोनों जीरोस के बीच में डिस्टेंस एक्स है, तो इधर भी तो 9th और 10th के बीच में डिस्टेंस एक्स होगा। ठीक है, समझ गए सर। आ गया सुन में? यस सर। ठीक है, अब मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए एक्स की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ कैसे। मेरे को ये डिस्टेंस पता है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तो कॉमन लाइन है ना दोनों के लिए, जो मैंने डैश से डिनोट किया है। yes. ये डिस्टेंस को मैंने L1 मान लिया, L1 की वैल्यू बताइए कितनी होगी? एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है मेन स्केल में? 0.1। कितने डिवीजन है ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 बेटा, 4 5 कहाँ से? 4। यहाँ पे L1 is equal to क्या हो जाएगा? 4 into 0.1, that means 0.4। ऊपर वाले पे आते हैं, ये डिस्टेंस मुझे पता है, इसको L2 मान लीजिए, ये कलर ज्यादा डार्क हो गया, L2 मान लिया। L2 की वैल्यू बताइए क्या होगी? 0.5 into 0.09। ये कितने डिवीजन है? 0.09। यस सर, 5 into 0.49। 5 है कि 4 है? सॉरी 4 हो गया ना, ये मैंने नंबर और डिवीजन ज्यादा ले लिए। 1 2 3 4 और ये पांचवा, ये है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, ये फिर 5 आएगा ना ठीक है। तो ये सिर्फ कितने कितने डिवीजन है यहाँ पे? 4 5 नहीं, 2 के बीच में 4 ही होते हैं ना, वो मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया गलती से ठीक है।
तो एल टू इज इक्वल टू कितना 4 × 0.09 दैट मींस 0.36 क्लियर है सर मुझे एक बार फिर से समझा दीजिए 0.09 कहाँ से आया वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर स्केल का हाँ 0.09 ये देखिए कल ही करवाया था ना यस सर चलिए तो एल टू की वैल्यू आ गई 0.36 एक्स की वैल्यू कितनी होगी फिगर को ध्यान से देखें x will be equal to L1 minus L2 0.4 minus 0.36 0.04 आया समझ में yes sir इसी को फॉर्मूला बना देते हैं negative zero error is equal to n 10 माइनस n इंटू लिस्ट काउंट n का मतलब क्या कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वन ईयर का काउंट कीजिए 6th 1 2 3 4 5 6 6th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो मतलब कि n की वैल्यू कितनी है 6 तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना जाएगा 10 माइनस 6 इनटू लिस्ट अकाउंट 0.01 होता है ना वन ईयर कैलिपर तो ये कितना आ जाएगा 0.04 देखिए आ गया तो मैं फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ और जनरल तरीके से भी निकाल सकता हूँ इंजीनियरिंग वालों को जनरल तरीका आना चाहिए मेडिकल में इस टाइप के क्वेश्चन ना कभी आया है ना कभी आएगा तो मेडिकल वाले स्टूडेंट जरा से भी ना घबराए ठीक है अनिया पूजा गुप्ता और कौन है मेडिकल का इन तीनों के अलावा भी है कोई मेडिकल का हिमांशु आप हैं धारा आपका क्या है मेडिकल आपको भी तो मेडिकल है नो सर नहीं पीसीएम है यस सर चलिए फिर अच्छा है क्लियर यहाँ तक यस सर तो अभी तक हम लोगों ने क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखा क्या क्या नेगेटिव जीरो एरर का मतलब क्या हुआ कि वन ईयर का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे हो अगर नेगेटिव जीरो एरर होगा तो हमारा उसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या है 10 - n इनटू लिस्ट अकाउंट ठीक और नेगेटिव जीरो एरर को हम लोग मेजर्ड वैल्यू में हमेशा क्या करेंगे एड करेंगे ठीक है अब एक दूसरा आता है आपका पॉजिटिव जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या होता है पहले इसको सही से लिखिएगा पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब कि वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे हो तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव जीरो हाँ धारा थर्व हनी मानशु वीडियो ऑन कर लीजिए अथर वीडियो ऑन करके बैठिए तो अगर आपसे कोई बोले कि पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा तो पॉजिटिव जीरो एरर सिंपल लिस्ट काउंट इनटू nth डिवीजन ठीक है पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू मिल जाएगी और अगर मेरे को ट्रू वैल्यू लिखना है तो मैं क्या करूंगा मेजर्ड वैल्यू में से पॉजिटिव जीरो एरर को मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा
क्लियर है? यस सर। प्लीज आप लोग किसी बुक को फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि वो फॉर्मूले वहाँ पे चेंज मिल जाएंगे। मैं वैसा कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट यहीं से पढ़िए, क्वेश्चन जहाँ से करने वहाँ से कीजिए। मैं क्वेश्चन करने के लिए कोई मना ही नहीं कर रहा, जहाँ से इच्छा हो वहाँ से कीजिए। अब हम लोग आते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे। कुछ दिनों के बाद, आज से 10 साल के बाद, धारा एक साइंटिस्ट बन गई। इन्होंने एक नया स्केल बनाया और उन्होंने कहा कि जो नया स्केल है उसमें 1 MST की वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। और देयर आर 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। 10 डिवीजन नहीं लिए इन्होंने, इन्होंने 20 डिवीजन लिए वर्नियर स्केल में, और कहा 20th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 16th डिवीजन ऑफ मेन स्केल, फाइंड लिस्ट काउंट। एग्जाम का क्वेश्चन है। सर 0.2। 0.2 क्या सेंटीमीटर? यस सर। सर 0.02। हाँ 0.02 है, 0.2 mm आएगा बेटा। देखिए कहीं पे कुछ गड़बड़ किया है क्या, या 0.02 सेंटीमीटर? यस सर 0.2 सेंटीमीटर। बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? लिस्ट काउंट का मतलब क्या है? 1 MST माइनस 1 BST, ठीक। और हम लोगों ने 1 BST की वैल्यू कैसे निकाली थी? आपने क्या कहा कि 1 BST मान लिया आपने कितना है x, 1 BST हो जाएगा लिस्ट काउंट इनटू जितने पे वो कॉन्साइड कर रहा है। हाँ, लिस्ट काउंट कहाँ से आ गया? 1 BST मतलब कि क्या है? अब कहना कुछ और चाह रही हैं, मैं समझ गया, ठीक है। थोड़े वर्ड अलग यूज कर लिया आपने। 1 BST मतलब कि एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है वर्नियर स्केल पे एक्स। तो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, वर्नियर का 20th डिवीजन और प्लेन का 16th, ठीक है। तो 20th डिवीजन, इसका मतलब वर्नियर स्केल पे कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 20 × x ना। और मेन स्केल पे कितना है आपका? 16th डिवीजन। मेन स्केल की एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 0.1। तो मतलब कि कितनी लेंथ हो जाएगी आपकी? 0.1 × 16। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 0.08। तो मेरे को क्या पता था? लिस्ट अकाउंट इज इक्वल टू 1 MST माइनस 1 BST। 1 MST की वैल्यू 0.1 माइनस 0.08, तो ये हो जाएगा आपका 0.02 सेंटीमीटर। नहीं आया सुन में? आ गया सर। आ गया आन्या? नहीं आ गया, ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है हनी,
अथर्व शाह गुप्ता नयन धरा वीडियो क्यों ऑफ करके बैठे हुए हैं? मेरा फोन चार्ज नहीं है, फोन चार्ज हो रहा है, मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा अथर्व, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम का है। इन अ वर्नियर कैलिपर एंड डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विथ एम प्लस एनथ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वॉट इज द वैल्यू ऑफ एम फॉर मिनिमम लीस्ट काउंट? ध्यान से सोचिए, इजी क्वेश्चन है। सर 0.1 इंटू एम अपॉन एम प्लस एन। सर ये तो लीस्ट काउंट निकला है, मेरे को तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एम चाहिए ताकि लीस्ट काउंट मिनिमम हो। तो एम की क्या वैल्यू होनी चाहिए? वन। क्यों? सर इसमें लीस्ट काउंट निकालने की बात नहीं समझ आ रहा हूँ। वैसे ये पूछा जा रहा है कि m की वैल्यू क्या हो ताकि इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मिनिमम हो। हिंट दूं, सोचिएगा, जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर किया और उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन ये करवाया, ये वाला क्वेश्चन, दोनों को थोड़ा सा ध्यान कीजिए और मेरे को आंसर बताइए, पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा आंसर क्या होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर करवाया था और ये जो क्वेश्चन करवाया मैंने, दोनों पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, आंसर आपको पता चल जाएगा। धरा बेटा वीडियो ऑन करके बैठिए।
धरा आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है। अच्छा ये देखिए, जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर किया था। सर एक चीज, हाँ बोलिए सर, जो पहला वाला जो हमारा स्टैंडर्ड था उसमें जो वर्नियर स्केल का जो हमारा डिवीजन था उसका एन माइनस वन जो था वो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा था, तब हमारे पास लीस्ट आ रहा था, तो सब मतलब मिनिमम लीस्ट काउंट आ रहा था हमारे पास। सर इसमें जब हम एम की वैल्यू वन डालेंगे तब हमारे पास वन प्लस एन जो है वो डिवीजन कोइंसाइड करेगा, तब हमारे पास लीस्ट आए। वही है। तो देखिए सभी लोग ध्यान से सुनिए, जो हम लोगों ने पहला किया था, जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर किया था, उसमें क्या था, टेंथ डिवीजन थे किसमें, वर्नियर स्केल में। तो टेंथ डिवीजन किससे कोइंसाइड कर रहा था, नाइन्थ डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था, 10 माइनस 9, 1 का ना, 1 का। अब इस वाले स्केल में देखिए, इस वाले स्केल में 20th डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है आपका 16th डिवीजन से। तो मतलब कि वर्नियर कैलिपर का 20th डिवीजन और मेन स्केल का 16th डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 20 माइनस 16, 4 का। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो लिस्ट अकाउंट आ रहा है वो आपका 0.02 आ रहा है। Yes, पहले वाले केस में लिस्ट अकाउंट कितना आ रहा था, 0.01। जब आपका दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था, 1 के इक्वल। और यहाँ पे क्या है, लिस्ट अकाउंट आ रहा है 0.02, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 के इक्वल। तो आपने देखा कि अगर यहाँ पे वर्नियर स्केल का डिवीजन और मेन स्केल के डिवीजन में डिफरेंस जो कोइंसाइड करें उसकी बात कर रहा हूँ, कि अगर डिफरेंस बढ़ता जा रहा है तो लिस्ट काउंट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो आपने कहा तो मिनिमम तो जीरो हो सकता है सर, कि डिफरेंस जीरो हो। डिफरेंस जीरो हुआ, जैसे कि आपने कहा कि टेंथ डिवीजन किससे कोइंसाइड कर रहा है, टेंथ डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.1 ना, कोई मतलब ही नहीं रहा। है ना? Yes, sir. इसलिए तो यहाँ पे मिनिमम कितना होना चाहिए, मतलब कि वर्नियर कैलिपर और मेन स्केल के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 1 का होना चाहिए। तो अगर मेन स्केल में n डिवीजन है तो वर्नियर में कितना होना चाहिए, n प्लस 1, एक ज्यादा, तभी मेरे को मिनिमम लिस्ट काउंट मिलेगा। और ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, क्लियर है? जैसे अगर नाइन्थ डिवीजन था, टेंथ से कोइंसाइड कर रहा था, तो यहाँ पे अगर ये nth डिवीजन है तो वन ईयर पे कितना होना चाहिए, n प्लस 1th, एक ज्यादा। अगर उससे ज्यादा हुआ तो आपका लिस्ट काउंट भी बढ़ता जाएगा, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, इसको लिख लीजिए अपने वर्डिंग में। क्लियर है यहाँ तक? तो ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? क्योंकि आज मेरे ख्याल से बच्चे आए नहीं है।